अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम नौरीन सईद। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप सबके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। बात बड़ी कॉमन सी है, जिस तरह से हमारे घरों में मेड्स, सबके घरों में मेड्स होती हैं, तो उसी हवाले से मैं आपको थोड़ा सा एक वाक्या जो कि मैंने आज देखा वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी। हम सब भी देखें, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है, सब, और जो हमने मेड्स रखी हुई हैं वो भी सेम इसी तरह है। हमारी दिन रात वो लोग खिदमत करते हैं। आज सुबह मैंने अपनी मेड चेंज की, उसकी मदर आई उसको छोड़ने के लिए, और सारी बात वगैरह करके जब उसको छोड़ के जा रही थी, तो यकीन करें कि मैं खुद भी तब, मतलब जो मैंने देखा और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि जब वो अपनी बेटी को छोड़ के जा रही थी, तो उनकी बेटी बार बार जो है, माशाल्लाह जवान थी, 20-25 साल की बच्ची, ये नहीं है कि छोटी है, तो वो बार बार अपनी माँ का मुंह चूम रही थी और माँ जो है उसके आगे हाथ जोड़ी थी कि मेरा बेटा ध्यान से रहना, ध्यान से काम करना। और मतलब बताने का मकसद ये है कि गरीब लोग, उनकी मजबूरियां जिसकी वजह से वो लोग हमारे घरों में आते हैं, काम करते हैं, दिन रात हमारी खिदमत करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनसे उतना ही प्यार करें, हम भी उनको अपनी बेटी समझें, अपनी बहन समझें, उनका उतना ही हमें भी ख्याल रखना चाहिए। तो मैं ये देख के हैरान रह गई कि वो अपनी माँ को बार बार कह रही थी अपना ख्याल रखना, माँ उसको कह रही थी कि तुम अपना ख्याल रखना, कि किस तरह एक जिक्र का टुकड़ा होता है, छोड़ के जाने को दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन मजबूरियां इंसान से बहुत कुछ करवाती हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप सबके घर में मेड्स होंगी तो उनके साथ बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से रहें, वो सब देखें, हमारा ख्याल रखते हैं और हमारे लिए दिन रात, अगर रात को भी किसी टाइम जरूरत हो तो हम लोग मतलब उनको उठा लेते हैं कि ये काम है, मेहमान आए हैं, कितना कितना बर्डन उन पे होता है, पूरा पूरा किचन संभाला हुआ होता है। तो ये जो चीज है, बहुत सारे लोगों में मैंने देखी है जो अपनी मेड्स पे इतना जुल्म करते हैं, मारते हैं, गालियां देते हैं, खाने को बिल्कुल एक रोटी, और मतलब ये चीप हरकतें जो है ना, ये बहुत दिल दिखाती हैं। तो सो आप सबसे बात करने का मकसद यही था कि अपनी मेड्स को अपनी बहन, अपनी बेटी समझें और उसके साथ प्यार मोहब्बत करें। थैंक यू सो मच। ये वीडियो जो है ये लास्ट ईयर की है, ये अभी की वीडियो मेरी नहीं है। जब मैंने रिकॉर्ड की थी तब मैं पाकिस्तान में थी, और आज मुझे लगा कि ये मैसेज मुझे यहाँ पे देना चाहिए। मैं वैसे ही मतलब ये ब्लॉग तो मैंने शाम में चाय बनी जब जन्नत ने, तो तब बनाया थोड़ा सा, इसके बाद तो ब्लॉग बना ही नहीं। बिल्डिंग में पता नहीं पाइप फट गया, पानी का मसला हो गया, तो पानी नहीं आया कल, तो पूरा दिन हमने रेस्ट ही किया। मैं यूँ ही बैठी टिकटॉक स्क्रॉल कर रही थी और मैं देख रही थी यार कितनी मुश्किल लाइफ है, कितनी मुश्किल लाइफ है। तो मैंने कहा क्यों ना आज के ब्लॉग का आगाज़ भी इसी बात से किया जाए। जो हमारी मेड्स होती हैं वो भी हमारे घरों में इसी तरह से मजदूरियां करती हैं, बेचारी कहाँ से आती हैं, कहाँ पे रहती हैं, तो हमारा, हमें भी चाहिए कि उनका उतना ही ख्याल रखें। उसके बाद मैं ये वीडियोज़ जब देख रही थी ना, आप यकीन करें मुझसे तो ये ना, मतलब मेरी तो आँखों में आंसू आ जाते हैं। जो होता है ना, मतलब गरीब लोग जो जितने भी हैं, गरीब तबका जिनसे बहुत मुश्किल से घर का गुजारा चलता है, और वो कहीं से पैसे पकड़ के उधार लेके किसी भी तरह आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, हमारा बेटा वहाँ पे जाएगा तो हमारे दिन फिर जाएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे। तो ये जो मज़दूर लोग हैं जब यहाँ पे आके मज़दूरी करते हैं ना, तो ये बहुत मुश्किल टाइम होता है। चलें पाकिस्तान में ये होता है कि मतलब जाते हैं सुबह शाम में आते हैं, घर का खाना नसीब होता है, बाल बच्चे में बैठते हैं, मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें खाना भी उन्होंने मतलब कहीं भी किसी भी पार्किंग में बैठ के गाड़ियों के दरमियान खा लिया, नहीं देखा कि कैसी जगह है कैसी नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम मिला और वहीं पर बैठ के खा लिया। इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिनमें अपनी जान जोखों में डाल के ये लोग काम करते हैं, किसी का अल्लाह माफ़ी दे देखे, इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स में कोई गिर जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी सेहत दे, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना, वो मैं तो खैर देख के ही मतलब बस मैं क्या कहूँ। अब ये लेबर कैंप है
और यहाँ पर देखें हर नेशनैलिटी के आपको लोग मिलेंगे जो मिलके बैठ के एक जगह पे अपना अपना खाना लेके, ये नहीं कि कंपनी उनको दे रही है, अपना अपना खाना लेके लेकिन एक ही जगह पे एक लेबर कैंप सा बना हुआ पूरी बिल्डिंग के नीचे, जो बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे सब बैठ के खा रहे हैं। इतनी शदीद गर्मी होती है ना, इतनी शदीद गर्मी कि मैं कहती हूँ कि आप ना अंडा भी फ्राई कर लें भाई, इतनी गर्मी होती है। और वहाँ पे इतना थक के ये लोग ऐसे रोडों पे सोए हुए होते हैं ना कि ना देख के बस तरसा इतना आता है यार, क्या है अल्लाह ताला इनको भी नमाज दे, इतना नमाज दे कि दो वक्त की रोटी बेचारे जो है ना वो खा लें इस तरह, बहुत दुख होता है। तो खैर मैं बस आप लोगों से यही बात शेयर करना चाहती थी कि अगर वहाँ से आ रहे हैं ना तो ये भी देखें कि जो मजदूरी पाकिस्तान में वो यहाँ उससे भी डबल मेहनत और मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इतनी शदीद गर्मी में। पाकिस्तान का मौसम फिर कभी बारिश हो गई कुछ कंट्रोल रहता है, यहाँ पे इतनी शदीद गर्मी, राइडर्स की लाइफ इतनी मुश्किल, इतनी मुश्किल क्योंकि यहाँ पर बहुत स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं, कोई किसी को नहीं, मतलब बहुत यार हर तरफ से बहुत मुश्किल है। बस मैं क्या ही अब कहूँ, बहुत दुख होता है ये सारी चीज़ें देख के ना। तो जो अमीर है जिसके पास हैं चार पैसे वो आता है, वो अपना बिजनेस करके बैठ जाता है, उसकी वाह वाह हो जाती है। जो इस तरह के बेचारे हैं वो तो फिर बस इसी तरह मेहनत मजदूरियाँ करते हैं, जान जोखों में डालते हैं अपनों से दूर, बहुत दूर, तो वो तो फिर इस तरह की वीडियोज़ लगाएंगे कि भाई परदेश बहुत मुश्किल है। फिर लोग कहते हैं कि पता नहीं उठे जाके भी क्यों रोंदा है, मतलब कैसे कोई अपनी फीलिंग्स किसी को बता सकता है। बस आज की जो यही वीडियो थी छोटी सी, यही एक मैसेज था कि अगर आपने आना है तो प्लीज़ किसी अच्छे काम में आएँ, अपने आप को मुसीबत में ना डालें। तो बस क्या कहूँ मैं, यही था जी आज का ब्लॉग। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।